मैं पिछले 3 सालों से अपने YouTube चैनल पे काम कर रहा हूँ। पहले के 2 साल तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने YouTube पे किस तरह से काम किया, क्योंकि मेरा ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं था। लास्ट के जो 1 साल थे, मैंने इस 1 सालों में अपने YouTube चैनल को इतनी हाइट पे ले गया कि जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जी हाँ, मेरा एक YouTube चैनल है जहाँ पे मेरे को अभी 78,000 से 80,000 सब्सक्राइबर हैं, और मैंने अभी तक उस चैनल के माध्यम से 1.5 लाख से 2 लाख रुपया भी कमा लिया है पिछले 8 से 10 महीनों में। तो चलिए आज मैं उस चैनल का आपको इंट्रो दे देता हूँ कि आखिर मेरे को 1 सालों में कितने व्यूज़ आए, 1 साल में मेरी अर्निंग क्या हुई, और पिछले 1 साल में मेरे पास 0 to 80,000 सब्सक्राइबर कैसे आए। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने 3 सालों का यूट्यूब एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि यदि आप भी यूट्यूब पे सक्सेस होना चाहते हैं, वो भी मात्र 30 वीडियोज़ को बनाने के बाद, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, जहां पे हम आपको बताएंगे कि आप अपने किस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब पे आप सक्सेस हो सकते हैं, वो भी कम टाइम में। जो गलतियां अक्सर नए यूट्यूबर्स करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, और वो सोचते हैं कि आखिर उनके साथ उनके व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं और उनके सब्सक्राइबर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में 1,000 सब्सक्राइबर और आपको 4,000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए, तभी आपके यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होते हैं और आप अपना सक्सेसफुली एक यूट्यूब चैनल को ग्रोथ कर पाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, यहाँ तक कि खुद मेरे भी, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो ये सोच के किया था कि चलो 1-2 महीने में तो मैं पहले से एक नौकरी भी कर रहा था, तो मैं वहां से परेशान हो गया था और मैं ये सोचा, मुझे लगा कि मैं अपनी नौकरी को भी 1-2 महीने में छोड़ पाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे उस टाइम में 3 साल पहले बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स के मैंने वीडियोस देखे थे, जहां पे उन्होंने बताया था कि उन्होंने मात्र यूट्यूब स्टार्ट करने के स्टार्टिंग फेज में, यानी कि स्टार्टिंग मंथ में, उन्होंने 30 से 40 हज़ार रुपया का अर्निंग किया था। तो मुझे लगा कि जहाँ मेरी सैलरी 30,000 है, तो मैं भी 1-2 महीने में तो कम से कम नौकरी छोड़ पाऊँगा और यूट्यूब पर एक सक्सेसफुल यूट्यूबर मैं बन जाऊँगा। लेकिन जब मैंने यूट्यूब अपना स्टार्ट किया, अपने यूट्यूब चैनल पर अपने कुछ वीडियोज़ डाले, तो मैंने देखा कि उन वीडियोज़ को देखने वाला कोई भी नहीं था। तो अपने इस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आखिर आपको ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी अपने चैनल पे, और आपको YouTube से क्या क्या मिलने वाला है आने वाले टाइम में यदि आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाते हैं। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि आखिर आप किस तरह से YouTube पे सक्सेस हो सकते हैं। पहले तो आपको मैं आगे लेके चलूं, आप उससे पहले मेरे पहले वाले चैनल का आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे अभी लगभग 80,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और मेरे जो व्यूज़ हैं वो किस तरह से आप देख रहे हैं वो भी देख लें। और मैंने ये जो मेरे चैनल पे जो आया है ग्रोथ, ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल का ग्रोथ है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मैं पिछले 1 साल में अपने चैनल पे काम करते हुए मैंने इतने ज़्यादा व्यूज़ और इतने ज़्यादा वॉच टाइम काउंट किए हैं। आज के टाइम में मेरे हर 3 दिन पे 1,000 सब्सक्राइबर आ जाते हैं और 3 दिन में ही मेरे 4,000 घंटा भी पूरा हो जाता है। तो आखिर मैं आपको बताऊंगा वो राज कि आप किस तरह से किस स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे तो आपका भी यूट्यूब चैनल ग्रोथ हो जाएगा। ऐसा है कि बहुत सारे लोग जब यूट्यूब पे आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि आखिर वो अपनी अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, वो भी कम दिनों में, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती तो करते हैं। जी हाँ, स्टार्टिंग गलतियां लोग बहुत सारे करते हैं। वो सोचते हैं कि बस वीडियोस बनाया उसे जल्दी से वो हड़बड़ी में वीडियोस को अपलोड भी कर देते हैं और सोचते हैं कि उनके व्यूज़ आने लगेंगे। वो बढ़िया से उसके थंबनेल पर काम नहीं करते, उसके टाइटल पर काम नहीं करते, उसके टैग पर काम नहीं करते और वो वीडियोज़ को अपलोड कर देते हैं और तो उसके व्यूज़ के इंतज़ार में रहते हैं और सोचते हैं कि उनकी व्यूज़ आ जाएगी। बिल्कुल नहीं आएगी दोस्तों। जी हाँ, आप इत्मीनान से वीडियो बनाइए, इत्मीनान से उसके थंबनेल को बनाइए। बहुत सारे लोग तो मैंने देखा है कि 5 मिनट में ही थंबनेल बना लेते हैं और उसे अपलोड कर देते हैं। ये पुराने यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन यदि आप एक नए यूट्यूब क्रिएटर हैं और आपने अभी जस्ट नया चैनल खोला है तो आपके लिए ये बेहद ही डेंजरस है। यूट्यूब थंबनेल एक ऐसा चीज़ है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए स्टार्टिंग में भी, और बाकी जहाँ तक बात है कंटेंट तो किंग होता ही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप यूट्यूब पर आप स्टेप बाय स्टेप कैसे आप ऊपर जा सकते हैं। तो पहले तो मैं यूट्यूब के बारे में बताऊँ, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यूट्यूब का फ्यूचर क्या है। जी हाँ,
आपको मैं बता दूं कि YouTube आने वाले 5 साल तो कहीं नहीं गया है, 10 साल तक भी वो कहीं नहीं गया है। आप बहुत ही इत्मीनान से YouTube पे आप काम कर सकते हैं। यदि आप एक नौजवान हैं और आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप में वो क्वालिटी है कि आप YouTube पे मतलब खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, तो आपके लिए YouTube है, बिल्कुल है, जहाँ पे आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं दुनिया को। अब यदि बात करें कि YouTube से कितनी अर्निंग हो जाती है, YouTube से आपको स्टार्टिंग में भी इतना अर्निंग हो जाएगा कि आपके जो नौकरी होते हैं जहाँ पे आपको एक अच्छे मैनेजर को जो सैलरी मिलता है वो आप स्टार्टिंग के 5-6 महीनों में आपकी आने लगेगी। तो यदि आप 5-6 महीने के लिए नौकरी ढूंढने वाले हैं तो आप उसे छोड़ दें और स्टार्टिंग के 5-6 महीने आप YouTube पे दें पूरे पेशेंस के साथ और सबसे बड़ा चीज़ फुल डेडिकेशन के साथ, तो आप पक्का सक्सेस हो जाएंगे। दूसरी बात मैं बता दूँ कि आपके लिए YouTube क्यों है। आज के इस डिजिटल युग में जहाँ पे लोग हर तरीके से पैसे अर्न कर सकते हैं, तो उसमें एक बेहद ही दमदार एक ऑप्शन निकल के आता है, वो है गूगल के द्वारा यूट्यूब या फिर गूगल का ब्लॉगर। जी हाँ, यदि आप ब्लॉग डालते हैं या फिर आप YouTube पे वीडियोस डालते हैं तो आप मेरा यकीन माने, आप यदि 6 महीने बस फुल डेडिकेशन के साथ यदि काम करते हैं तो आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। दोस्तों, YouTube 2005 में आया था और YouTube ने तब से इतना ज़्यादा काम किया कि जो लोग 2008, 9, 10, 11 से YouTube पे काम कर रहे हैं वो आज एक फेमस क्रिएटर बन चुके हैं। जी हाँ, ऐसे आपको बहुत सारे YouTube चैनल मिलेंगे जो आज से 10 साल, 7 साल, 8 साल पहले वो ओपन हुए थे और आज एक अच्छा खासा मुकाम रखते हैं। उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया जो आप और हम नौकरी करके होल लाइफ में अर्न करते हैं, मतलब 30 से 40 सालों में, उन्होंने मात्र 7 से 8 सालों में ही उन्होंने उतना कमा लिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ YouTube आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यदि आपकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, आपका बैकग्राउंड सही नहीं है, तो आप YouTube पे आइए, पक्का आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप कम से कम आने वाले 5 सालों में जितना आप आपकी YouTube से अर्निंग होगी उतना आप अपने होल लाइफ नौकरी करते हुए आपकी अर्निंग होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या YouTube से उतनी भी अर्निंग है जितनी कि आपको मैं बता रहा हूँ, या फिर आप YouTube पे यदि वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको भी वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं बता दूँ दोस्तों आपको, YouTube पे आप यदि आप सफल हो जाते हैं, जी हाँ, ऐसा है कि YouTube पे अभी पर डे, जी हाँ, YouTube पे अभी पर डे लाखों चैनल्स खुलते हैं और उसमें से मात्र 1 से 2% चैनल ही आपके मोनेटाइज होते हैं। अब यहाँ पे क्यों ऐसा डिफरेंस और आपको ऐसा गैप देखने को मिल रहा है, ऐसा है कि सबसे बड़ा चीज़ है कंटिन्यूटी। YouTube पे कंटिन्यूटी आपको 98% लोगों में देखने को नहीं मिलती। यदि 100 लोगों ने चैनल खोला है तो मात्र 98% लोग ही जो होते हैं वो YouTube पे स्टार्टिंग में तो काम करते हैं, लेकिन जब उनके व्यूज कम आते हैं, उन्हें लगता है कि 5 वीडियो, 10 वीडियो, 20 वीडियो या फिर 40 वीडियो मतलब बनाने के बाद भी उनके व्यूज उतने नहीं आते, तो वो लास्टली YouTube से थक जाते हैं, हार जाते हैं और वो अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। जी हाँ, आप एक टारगेट बना लो कि जब तक मेरे चैनल पे 100 वीडियोज नहीं बन जाएंगे हम अपने चैनल पे काम करना बंद नहीं करेंगे। और यदि आप, मेरा भरोसा करिए, यदि आप 100 वीडियोज बना लेते हैं वो भी फुल डेडिकेशन, तो आपको YouTube पे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप आज से 100 वीडियोस बनाने का प्रण ले लें और पर डे एक वीडियो जरूर दें, लेकिन उसमें भी आपको एक कंडीशन है, आप यदि पर डे एक वीडियो देते हैं तो वो भी फुल क्वालिटी के साथ दें, आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज ना करें। जैसे कि YouTube के जो आपका जो कंटेंट है, जो आप उसमें वीडियोज देने वाले हैं, उसमें आप फुल नॉलेज दें। दूसरा, उसके थंबनेल पे आप जितना ज़्यादा काम करेंगे आपका चैनल उतना ही शार्प होगा और आपके वीडियोस पे उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। दूसरा है आपका YouTube मतलब वीडियो का कंटेंट जितना जानदार होगा आपके इम्प्रेशन उतने ज़्यादा अच्छे रहेंगे, आपकी वॉच टाइम जितनी अच्छी होगी आपकी वीडियोज़ वायरल में जाने के चांस उतने ज़्यादा होंगे। थर्ड है आपका टाइटल भी आप ऐसा रखें कि जो सर्च पे जैसे ही लोग मतलब अपने ज़रूरत के हिसाब से वो सर्च करें, आपके टाइटल से वो मैच होता हुआ मतलब उनके सर्च रिजल्ट में आ जाए। तीसरा है आपका डिस्क्रिप्शन पे ज़्यादा आपको फोकस, मैं नहीं कहूँगा, ऐसे तो आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स कहेंगे कि आप डिस्क्रिप्शन पे भी मतलब उस पर भी काम करें, उसके भी कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊँगा आने वाले वीडियोज़ में। और तीसरा है टैग जो है वो मतलब जिस तरह से थंबनेल इम्पॉर्टेंट है, आपका टैग भी उतना ही मतलब इम्पॉर्टेंस रखता है आपके यूट्यूब के वीडियोज़ के लिए। अब सपोज कीजिए कि आपने एक वीडियो बनाया है कि आप
आम का अचार कैसे बनाते हैं, और आपने उसके टैग में कुछ भी नहीं लिखा। अब टैग क्या होता है? टैग का मतलब होता है यूट्यूब पे सर्च किया हुआ वर्ड। अब आप चीजों को इस तरह से समझिए कि यदि आपने एक वीडियो बनाया है जहां पे आपने बताया है कि आप आम का अचार कैसे बनाएं, अब आप ये देखिए कि जब लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि आम का अचार किस तरह से बनाएं, तो वही वर्ड आपको उसके टैग में लगाना होता है। और टैग में सिर्फ एक टैग नहीं, आपको बहुत सारे टैग आपको देने पड़ते हैं। इसके बारे में फुल डिटेल मतलब हम आने वाले वीडियोज़ में आपको बताएंगे कि आप टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब थंबनेल पे किस तरह से काम कर सकते हैं। दूसरा कि आप अपने यूट्यूब के वीडियोज़ के क्वालिटी को किस तरह से आप इन्हेंस कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दोस्तों कि आप यूट्यूब पे कंटिन्यूटी किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में लोग 10-20 वीडियो बनाने के बाद थक जाते हैं और उनके सारे जोश हवा में उड़ जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी, और आपको अपने जोश को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा हम आपको ये भी बताएंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो इसीलिए इस चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स देने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपकी YouTube वीडियोज़ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी और आपके भी YouTube वीडियोज़ चलने लगेगी और आपके भी चैनल पे व्यूज़ और सब्सक्राइबर आपके आने लगेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, क्योंकि हम आने वाले वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन से ही बेहतरीन ऑडियो किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मेरी वॉइस क्वालिटी, आपके भी वीडियोज में ऐसी वॉइस क्वालिटी आ जाएगी, क्योंकि हम आने वाले वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप अपने वॉइस की क्वालिटी को किस तरह से बढ़िया से फ़ोन से शूट कर सकते हैं, वो भी मात्र बहुत ही इजी स्टेप के साथ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।